हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे सीसीटीवी कैमरों से। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर और 2007 T20 विश्व कप के आइकन और वर्तमान में अंबाला के DSP जोगिंदर शर्मा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन में उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जोगिंदर शर्मा ने बताया कि पंजाब से हरियाणा की ओर जाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे CCTV कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ जारी भी की थी? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज़ और उनके उनका पूरा एड्रेस नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीज़ा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदर्शनकारी किसानों ने MSP के लिए कानून गारंटी सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश सहित विभिन्न मांगें उठाई थी। हालांकि किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। ऐसे में प्रदर्शनकारी किसान अब भी सीमाओं पर डटे हुए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।